विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो गया प्रथम 2.0 के नाम से। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी बायलिंगुअल पढ़ाई करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की यहाँ पर टीम है, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज होगी, मासिक ग्रेड फेस्ट की पत्रिका मिलेगी, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, मुख्य परीक्षा रिवीजन बुकलेट मिलेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस इत्यादि इसमें होता रहता है। और इन बैचेस में कौन से टीचर पढ़ाएंगे इनके नाम भी आप देख सकते हैं। वरुण सर इकोनॉमी बिहार स्पेशल के हैं, दीपेश कौशिक सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी के, अक्षय द्विवेदी सर हैं पॉलिटी के, गोपाल सर पढ़ा रहे हैं मैथ और डीआई, और अमित सिलानी सर पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए, केवल प्रीलिम्स के लिए एक बैच लॉन्च हो गया संयुक्त के नाम से। ये बैच संयुक्त चलेगा भी, इसकी फीस भी 1999 रुपए ही रखी गई है। और अगर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है और यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और इसकी फीस है 4,999 रुपए। और इसमें भी आप लोग कूपन कोड पीएसपी लगा सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आप लोग एक कोड है PSP500 लगा देंगे परचेज करते समय तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये सभी कोर्सेज और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और लिखा सबसे पहले जो सूचना है वो यूजीसी नेट की है। परीक्षा के लिए अब 15 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार अब 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उम्मीदवारों की मांग पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि आगे बढ़ा दी है। उम्मीदवार तय समय पर आवेदन पत्र भर लें और यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा 18 जून को आयोजित होनी है। इग्नू के विद्यार्थियों के लिए भी सूचना है कि सभी विद्यार्थी 15 मई तक असाइनमेंट जमा कर दें। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, नीट पेपर लीक और उत्तर प्रदेश बिहार कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी सिपाही भर्ती, उस पेपर लीक की भी सूचना है। और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ईओयू के द्वारा बिहार की तरफ से लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रश्नपत्र लीक मामले का खुलासा अंतर्राज्यीय प्रश्नपत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम। उल्लेखनीय है कि 15 मार्च 2024 को आयोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा जांच के क्रम में 14 मार्च को पटना एवं 15 मार्च को हजारीबाग में छापेमारी की गई थी, जिसमें पेपर लीक से संबंधित अभियुक्तों एवं अभ्यर्थियों सहित कुल 266 की गिरफ्तारी की गई थी। ईओयू बिहार पटना कांड इस नाम लिखा हुआ दर्ज किया गया था। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गठित विशेष टीम द्वारा अग्रतर अनुसंधान पकड़ाए अभियुक्तों से पूछताछ आसूचना संकलन तकनीकी वैज्ञानिक विश्लेषण के क्रम में पाया गया है कि घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव उर्फ बिट्टू सर संजीव कुमार के गिरोह द्वारा प्रश्नपत्र लीक कांड को अंजाम दिया गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि डॉक्टर शिव पूर्व में भी 2017 में नीट यूजी परीक्षा पत्र लीक कांड का भी रहा है और इस संदर्भ में पत्रकार नगर ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। और वहीं पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में भी इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है, शुभ मंडल। और इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य कई राज्यों से जुड़े हैं। इस समय लगातार कई राज्यों में भर्तियां हुई और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और इसके बाद में फिर जो सरकार है पुलिस है वो एक्टिव हुई। यहाँ पर यही बात समाचार पत्र में भी लिखी हुई है, MBBS शिव शिक्षक भर्ती पेपर लीक का खलनायक, BPSC शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, BPSC के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड का खलनायक, वही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है। और डॉक्टर शिव समेत 5 उज्जैन से गिरफ्तार किए गए थे। EOU के अनुसार नगर नौसा के बलवा शाहपुर निवासी डॉक्टर शिव और उसके 4 सहयोगियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और इनसे पूछताछ के आधार पर कांड का उद्भेदन किया गया। अभी जांच चल रही है। पेपर लीक मामले में ईओयू ने 14 मार्च को पटना और 15 मार्च को हजारीबाग में छापेमारी की। तो सोचने वाली बात है कि देखिए बीपीएससी की भी भर्तियों का पेपर लीक हुआ, चाहे सिपाही हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, और उत्तर प्रदेश की भी भर्तियों का पेपर लीक हुआ और यहाँ पर नीट के बारे में जानकारी दी गई है। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, TGT PGT की है और लिखा है कि नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि नई भर्ती के लिए थोड़ा सा विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा, अभी नई नियमावली बनेगी और हो सकता है कि भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिले।
लिखा है कि अर्हता से लेकर के परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगे शामिल। तो क्या अर्हता होगी, क्या परीक्षा की प्रक्रिया होगी, काफी कुछ बदलाव आपको नई भर्तियों में देखने को मिलेगा। जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती में का जो विज्ञापन जारी होगा। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी करनी है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है, और सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती और जितनी भर्तियां होती हैं सबके बारे में यहाँ पर लिखा है। ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं ये नए आयोग से होंगी, और प्राइमरी की वैकेंसी भी इसी से होनी है। लिखा है अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी यहीं से भर्तियां होनी है। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित है, ऐसे में अलग अलग पदों में भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जा रही है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है। चूंकि ड्राफ्ट में लिखा था कि जो भर्ती नियमावली है वो आयोग बनाएगा, तो अब आयोग उसको नई शिक्षा नीति के तहत एक नई नियमावली बनाएगा, और सबकी निगाहें उसी पर हैं कि देखते हैं कि क्या बदलाव होता है। परीक्षा अर्हता की बात तो हो गई, और परीक्षा किस तरीके से होगी इसके बारे में भी नियमावली बन रही है। जैसे यहाँ पर लिखा कि विज्ञापन जारी होने के बाद में कितने दिनों बाद परीक्षा कराई जाए, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसको कैसे बाहर किया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्ती में जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद में शासन को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। तो प्रक्रिया लंबी है, 100 अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप अब जो है पदों को जोड़ दें, वही अच्छी बात है, जो भी पद खाली है उनको उसमें जोड़ दिया जाए, उसके बाद आप नियमावली बनाते रहिए। और वहीं पर लिखा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले ही जारी हो गया था। नए आयोग को लेकर के कुछ और भी सूचना है, जैसे लिखा है नए आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने लगे केस, और नए आयोग में केस शुरू हो गया है, और ये तो होना ही था। लिखा है कि प्रयागराज के ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज मऊ आईमा ने वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट मुकदमा दर्ज कर दिया है। और लिखा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी इस नए आयोग को दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद से शिक्षकों की भर्ती हुई नहीं। पुराने शिक्षकों की सेवानिवृत्त हो जाने के कारण कार्य संचालन में अड़चन आ रही है, ऐसे कई विद्यालयों ने केस किया था। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 जून से होंगी, प्रस्तावित कार्यक्रम जारी, 180,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक विज्ञप्ति है आज के समाचार पत्रों में, और इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो भर्ती है उसके साक्षात्कार के बारे में जानकारी दी है कि इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 21 मई को होगा, कितने विद्यार्थी आएंगे, और अधिक जो जानकारी है साक्षात्कार की वो upsc.up.nic.in पर मिल जाएगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी, बीपीएससी के बारे में भी एक दूसरे समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि इसका भी पेपर 3 दिन पहले ही लीक हो गया था। लिखा प्रश्न पत्र की पेटी 12 मार्च को DTDC पटना से श्रीनिवास चौधरी के वाहनों पर लोड होने के बाद नवादा के लिए निकल पड़ी। गाड़ी के ड्राइवर राम भवन पासवान को भी मोटी रकम का लालच देकर तैयार किया गया। गाड़ी जब नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां पहले से मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव, उसके पिता संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया और गिरोह के अन्य सदस्य मौजूद थे। जांच टीम के अनुसार होटल मालिक अवधेश कुमार की जानकारी में सभी ने खास टूल से प्रश्न पत्र की पेटी खोली और उसे स्कैन कर लिया। इसके बाद 10 से 12 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थियों को ये पेपर बेचा गया। और यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि रास्ते से ही पेपर उड़ाया जाता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर कुरियर कंपनी के द्वारा रास्ते से उड़ाया गया, लीक किया गया, उसी प्रकार से बीपीएससी के बारे में आपने अभी देखा, और बिहार की एक सिपाही भर्ती हुई थी उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा कि सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी था कुरियर कंपनी का मुंशी राहुल पासवान, तो वही मुंशी यहाँ पर भी था। लिखा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों के परिवहन का काम डीपी वर्ड कंपनी को मिला था। कंपनी ने यह जिम्मेदारी जेनित लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को दी थी, और इस कांड में जेनित लॉजिस्टिक के 2 मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान के साथ 2 ड्राइवर राम भवन पासवान और शिवकांत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तरीका भी एक है और ये काम करने वाले भी लगभग एक ही। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।